अयोध्या भव्य राम मंदिर में रामलला के भव्य स्वागत के लिए दुनिया भर के राम भक्त तैयार हैं, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। लोग दर्शन करने के लिए आतुर हैं, लेकिन इसके साथ ही श्री राम भक्त रामलला के लिए देश भर से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उपहार भी अयोध्या भेज रहे हैं, क्योंकि इस पावन मौके का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम भक्त मंदिर और रामलला के लिए विशेष उपहार लेकर अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं राम मंदिर के लिए दिए गए खास उपहार, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात के बड़ोदरा में 6 महीने की अवधि में 108 फुट लंबी अगरबत्ती तैयार की गई है, जिसका वजन 3610 किलोग्राम है और ये लगभग 3.5 फुट चौड़ी है। इस अगरबत्ती को बनाने के लिए 376 किलोग्राम गूगल, 376 किलोग्राम नारियल गोला, 190 किलोग्राम की और 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। अगरबत्ती तैयार करने वाले बड़ोदरा निवासी विहा भरवाड़ ने बताया है कि यह अगरबत्ती पर्यावरण के लिए अनुकूल है और लगभग 1.5 महीने तक जलेगी और कई किलोमीटर तक अपनी सुगंध फैलाएगी, जो कि बहुत ही अद्भुत है। दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फुट ऊंचाई और 4.6 फुट चौड़ाई और 9.5 फुट मोटाई वाला 400 किलोग्राम वजन वाला ताला और चाबी तैयार की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है, ताकि इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे खास और अलग राम मंदिर की थीम पर बनाया गया एक हार। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकन हीरे और 2 किलोग्राम चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक अनोखा हार बनाया है, जिसे 40 कारीगरों ने 35 दिनों में तैयार किया है और इस हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। खास नगाड़ा। गुजरात के दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज ने एक नगाड़ा राम मंदिर के लिए तैयार करके भेजा गया है। राम मंदिर के प्रांगण में सोने की परत चढ़ाई 56 इंच का नगाड़ा स्थापित किया जाना है, जो कि सबसे खास और अलग है। 2100 किलोग्राम का घंटा। उत्तर प्रदेश के एटा के जलेसर में अष्ट धातु से बना 2100 किलोग्राम वजन का घंटा तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही खास है। घंटा तैयार करने वाले एक कारीगर ने बताया है कि इसे तैयार करने में 2 साल लग गए हैं। सभी अनुष्ठानों को करने के बाद धूमधाम के साथ घंटे को अयोध्या भेज दिया गया है। एक ही समय में 8 देशों का समय बताती हुई घड़ी। लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी तैयार की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। साहू ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2008 में घड़ी बनाई थी और इसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि यह घड़ी भारत, टोक्यो, मास्को, दुबई, बीजिंग, सिंगापुर, मेक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का समय दर्शाती है। अनिल कुमार साहू, जो कि 52 वर्ष के हैं, उन्होंने 75 सेमी व्यास वाली घड़ी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उपहार में दी है। 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक। बड़ोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक तैयार किया गया है। यह दीपक 9.25 फुट ऊंचा और 8 फुट चौड़ा है। दीपक पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बनाया गया है। राम मंदिर तस्वीरें वाली सूरत की साड़ी। सूरत में तैयार की गई एक विशेष साड़ी। इसमें भगवान राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीरों वाली साड़ी भगवान राम की पत्नी माता सीता के लिए है। हैदराबाद से राम भक्त ला रहे हैं सोने की परत चढ़े जूते। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कार सेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ हैदराबाद के 64 वर्षीय चल्ला श्रीनिवास शास्त्री अयोध्या आ रहे हैं। वो भगवान राम को भेंट करने के लिए अपने साथ सोने की परत चढ़े जूते ला रहे हैं। वह लगभग 8000 किमी की दूरी तय करके पैदल अयोध्या आ रहे हैं। नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें आभूषण और कपड़ों सहित कई उपहार हैं। इन सभी को इसी सप्ताह नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के जरिए अयोध्या भेजा गया है। राम हलवा और लड्डू। नागपुर के रहने वाले सेव विष्णु मनोहर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम पारंपरिक मिठाई राम हलवा तैयार करेंगे। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू भी अयोध्या भेजे गए हैं।
इन अनोखे उपहारों को बनाने वाले कारीगरों को उम्मीद है कि इनका इस्तेमाल भव्य मंदिर में किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से और यहाँ तक विदेशों से भी उपहार प्राप्त हो रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब।